टाइप सेवन है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड लेवल की अगर हम बात करें, कोई भी बोर्ड लेवल के अंदर, तो अगर आपकी कोई करेक्शन हो जाए क्वेश्चन में तो इसके थ्रू आप लोग ओनली 5 सेकंड में आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। तो आप लोग देखिएगा किस टाइप से हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इंप्लिसिट फंक्शंस की डेरिवेटिव जब भी करना हो तो क्या होता है, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। अब ये बात तो सिंपल थी, एफ डैश एक्स कर सकते हैं कब, जब ओनली एक्स का फंक्शन हो, वाई कब कर सकते हैं, जब ओनली वाई का फंक्शन हो। बट ये ध्यान रहे, अगर आप लोग एफ डैश एक्स करते हो तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, टेक वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट लेना है। अगर आपको एफ डैश वाई करना है तो टेक एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स को कॉन्स्टेंट लेना है। तो आप लोग देखिए यहां से अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसमें देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव, f डैश x ओनली x का डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में करना है y को कॉन्स्टेंट लेके। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस y क्यूब कॉन्स्टेंट है क्योंकि y को y एज ए कॉन्स्टेंट, तो 0 प्लस y कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x 1। अब cos y का डेरिवेटिव 0 क्योंकि y कॉन्स्टेंट है, 81 का 0 डिवाइड। अब किसका डेरिवेटिव, y का, बट x को क्या लेना है, कॉन्स्टेंट लेना है। तो आप लोग देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, और x क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का फंक्शन का डेरिवेटिव 0। y क्यूब का 3y² प्लस y, देखो किसको कॉन्स्टेंट लेना है, x को, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1। अब बताओ cos y का माइनस साइन y, 81 का 0, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3x² प्लस y अपॉन 3y² प्लस x माइनस साइन y। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन का करने का, जो बहुत ही आसान मेथड है। उसके बाद हम आपको इससे अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन है किस प्रकार करें। काफी लंबा क्वेश्चन आपको लग रहा है और आप सोल्व करोगे तो 10 मिनट से कम नहीं लगेंगी, जी आप सोल्व करके देख लेना, और मैंने इसके जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कराए वो देख लेना वहां कितना टाइम हम लगा रहे हैं, और अब हम 10 सेकंड मैक्सिमम लगाएंगे। तो आप लोग देखिए क्या करें, एन बोलो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई कॉन्स्टेंट लेना है, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस एम इंटू log y, y तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस m प्लस n log x प्लस y का, इसको नीचे ले आओ, log का डेरिवेटिव जब भी करोगे 1 अपॉन x प्लस y। अब d by dx किसका करेंगे, x प्लस y का, तो बच्चों x का डेरिवेटिव 1 और y कॉन्स्टेंट है तो 0 क्योंकि y को कॉन्स्टेंट लेना है। आगे हम लोग देखें, यहां से देखो अब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बट x को क्या लेना है, कॉन्स्टेंट, तो ये n log x का 0 क्योंकि x को कॉन्स्टेंट लेना है, m log y का 1/y, सिमिलरली माइनस m प्लस n, इसका log का करना हो तो नीचे उतारते हैं हमेशा, अब अंदर बोलो x का, y x को कॉन्स्टेंट लेना है तो 0, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो आंसर क्या आया, एन वाई एक्स माइनस एम प्लस एन वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड में एम वाई वाई माइनस, ये हमारा आंसर है। बट आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहां से देखो जी आप लोग ले सकते हो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एन को किया तो एन एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स से किया एम प्लस एन, डिवाइड में क्या होगा y into x plus y, यहां से m into x plus y minus y into m plus n, देखो x plus y से x plus y cancel हो जाएगा, इससे आगे इधर कर देते हैं, क्या होगा बोलो, nx plus ny minus mx minus nx divide में x। अब देखो यहां से आप लोग देखो तो इसको इधर लेके आ रहे, ये y तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या है mx प्लस my माइनस my माइनस ny। आप लोग देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, nx से nx कैंसिल हो रहा है, my से my कैंसिल हो रहा है,
तो यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आंसर आ गया एन वाई माइनस एम एक्स इंटू वाई एक्स इंटू एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखो हमने सॉल्यूशन तो इसका यही कर दिया था, बट आप क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर रहे हो तो आप कर सकते हो सिंपली सॉल्व इसको।